वेंकटेश, मुझे यहाँ से ले चलो वेंकटेश, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। कहाँ लेकर जाऊँ? मुझे कहीं ले चलो, नहीं तो पापा मेरी कहीं और शादी करवा देंगे। नहीं, कुछ नहीं होगा, मेरी शादी तुम से ही होगी। तो मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? पापा ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। तुम उन्हें नहीं जानते वेंकटेश, वो किसी की बात नहीं मानेंगे, हमारी शादी होने नहीं देंगे। प्लीज वेंकटेश, प्लीज यहाँ से ले चलो। अंजलि, अगर मुझे कल पता चलता कि तुम कहाँ हो तो शायद मैं तुम्हें भगा कर ले जाता, पर मेरी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जो अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा चिंतित है। अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता और ना ही ऐसा कुछ करके बखेड़ा खड़ा करना चाहता हूँ। मैंने नीचे तुम्हारे पापा को देखा, तुम्हारे लिए कितने खुश हैं वो, और तुम देखना वो खुशी खुशी तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देंगे। मुझ पर विश्वास करो। हाँ, मेरी बात समझो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ ना, विश्वास करो मुझ पर, हम दोनों की शादी जरूर होगी। क्या? हाँ भाई, क्या चल रहा है वहाँ? वो वेंकटेश यहाँ क्या हंगामा कर रहा है भाई? लेकर आओ उसे यहाँ। सर मेरी बात सुनो, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चल जाकर बात एक बात तो सुनिए, बहुत अच्छा ख्याल रखूंगा। सर आपकी बेटी को मेरे साथ ले। जय श्री कृष्ण। स्वामी जी, आप मेरे घर पे? मैं यहाँ अपनी गलती सुधारने आया हूँ। आप अपनी गलती सुधारने आए हैं? आपसे कौन सी गलती हो गई? भस्मासुर को शिव ने वरदान दिया, सती सावित्री को यमराज ने भेंट दी, राम ने माता सीता पर संदेह किया। ये बात ध्यान से सोचने की है, जब देवताओं से गलती हो गई तो हम तो इंसान हैं, हम इंसानों से भी गलती होती रहती है, ये स्वभाव में ही है। आहा, स्वामी जी ने गलत और सही का क्या उदाहरण दिया है, इस विषय में भगवत गीता में भी लिखा है। जब मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने अपने प्रिय भक्त के साथ गलती की है। आपको मेरा ध्यान आया? हाँ, तुम्हारी बेटी की शादी के विषय में। मस्तान, मेरी बहुत ध्यान से सुनना। लोक कल्याण और अपने भक्तों की सुख शांति के लिए मैं जब हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहा था, ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, कैसे हो मेरे मित्र? आपसे दूर रहकर मैं कैसा हो सकता हूँ? देखिए मैं कैसा हो गया हूँ। दुखी मत हो मित्र, तुम हमेशा मेरे दिल में रहते हो। चलो वैकुंठ धाम चलते हैं। याद है हमने यहाँ कितना आनंद उठाया था? तो वहाँ छिपा हुआ था, हमने पीछे से देखा, हमारे भाई बलराम भी नहीं थे, तुम फिसल कर गिर गए, तो मैंने ही तुम्हें बचाया था। हाँ हाँ, मुझे सब याद है। हाँ, पर उसके बाद माता यशोदा पूरी तरह से मुझ पर नाराज हो गई थी। तुम तो जानते हो माँ का प्यार। हाँ। ही प्यार से मुझे एक बात याद आ गई, शिव प्रसाद को तो जानते ही हो ना? शिव प्रसाद कौन है? अरे कृष्णा, वो मेरा प्रिय भक्त है, उसकी लड़की एक लड़के से प्यार करती है, वो उनकी शादी के बारे में पूछने आया, मैंने उनकी शादी के लिए हाँ कह दिया, लेकिन उसके बाद मैंने उस लड़की का भविष्य देखा, उसका भविष्य ठीक नहीं था, इसलिए मैंने शादी रुकवा दी। मित्र कृष्णा, तुम एक ही गलती कितनी बार करोगे? एक समय था जब मैं राधा से कितना प्यार करता था, तुम्हारी वजह से मैं शादी नहीं कर पाया। तुम द्वापर युग से लेकर आज तक हजारों शरीर त्याग चुके हो, तुम्हें तो वृंदावन में होना चाहिए, लेकिन तुम धरती पर हो, और यहाँ भी तुमने यही गलती की, दो प्रेमियों को अलग कर दिया। छह, परंतु स्वामी
उसके भविष्य को देखने के बाद मैंने ऐसा निर्णय लिया। अरे क्या भविष्यकाल, क्या भूतकाल, क्या वर्तमान काल, मैं तो भूत, वर्तमान और भविष्य सब में मैं ही हूं। मैं उस लड़की का भविष्य बदल रहा हूं, और वो भी इसी क्षण से। अगर वो उस लड़के से शादी करेगी तो वो जिंदगी भर ऐश्वर्य का सुख भोगेगी, कष्ट गरीबी उसके पास भी नहीं फटकेगी। ये मेरी जिम्मेदारी है। अब जाओ, अपनी गलती का सुधार करो। अब जल्दी जाओ वरना वैकुंठ में प्रवेश नहीं मिलेगा। कृष्णा, अरे जाओ। देखो शिव प्रसाद स्वामी, इस विषय में अब मैं क्या सवाल जवाब करूं, लेकिन इस समय मैं अपने माध्यम से और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से तुमसे यही कहूंगा कि तुम वेंकटेश से इसकी शादी करवा दो। सर, तुम जाओ। ओके सर। बंद करो ये सब ड्रामा, ना ये भगवान है ना भगवान का मित्र। भाई साहब, आप समझ ही नहीं रहे, एक घंटे में शादी का मुहूर्त है और सब पहुंच चुके हैं। ये वैकुंठ, हिमालय पर्वत और पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा है। क्या बकवास कर रहे हो गजपति? प्लीज सर, मेरी बात को समझिए, मैं बिना प्रूफ के बात नहीं करता, मेरे पास कंप्लीट एविडेंस है। ये कोई भगवान भगवान नहीं है, बस भगवान बन के भक्तों की भावनाओं से खेलता है। इसके नाम पे बहुत कंप्लेंट्स हैं, मैंने खुद इंक्वायरी की है, और तब जाके मुझे पता चला कि रेलवे स्टेशन के पास उस बूढ़े साधु को मारने वाला यही है, और उसके बाद इसने ये आत्मा का ड्रामा शुरू किया। इस बॉक्स के अंदर वो सारे फोटो मौजूद है। इसे अच्छी तरह से मालूम था कि एक दिन इसकी पोल खोल दूंगा, इसलिए अंतर ध्यान होने का बहाना करके सबकी नजर से गायब होने का ड्रामा कर रहा, पर अभी ये वापस क्यों लौट आया ये मुझे नहीं मालूम। जय श्री कृष्ण। चुप हो जा, ये तेरा आखिरी श्री कृष्ण है। ये रहा एविडेंस। ये स्वामी जी की ताकत है ताबीज के रूप में। स्वामी जी की महानता की परीक्षा ले रहा है। इन्होंने खुद कहा था कि ये भगवान नहीं है, लेकिन हम नहीं माने। हमारी भक्ति सफल हुई, हम इनकी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, और तूने इन पे शक किया, पापी। आंखों से देखी हुई चीज कभी कभी सच नहीं होती है। सीपी साहब, आप बिना काम के अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। हमारे स्वामी जी देवता के समान हैं। आज जो तुमने किया है वो बहुत गलत काम किया है। स्वामी जी को बदनाम करता है, मारो इसे। अरे तू क्या खड़ा खड़ा देख रहा है, जा छोड़ो इसको। स्वामी जी, अरे वो मैं ही हूँ, चला। तुम्हारे पास कोई चाबी है क्या? ये लीजिए। चल पकड़। ये 10 लाख मेरी गृहस्थी के लिए, ये 10 लाख मेरी बेटी के ऑपरेशन के लिए, और मुझे नहीं चाहिए। बाकी के बचे सारे पैसे वेंकटेश को दे दो। छोटे बच्चों के लिए हॉस्पिटल बनाने को कहना, जहां पर सारी बीमारियों का फ्री इलाज हो, सबको फ्री दवाइयां मिले। सारे पैसे वेंकटेश को दे दूं? हाँ, ये उसी को दे दो। और उस दिन के बाद से स्वामी प्रसाद को किसी ने भी नहीं देखा।
एकदम फ्रेश है साहब। साहब हाँ? मंदिर के लिए कुछ चंदा दीजिए। मंदिर किसका है? ये हमारे भगवान का। ये कौन है? इनके बारे में आप नहीं जानते? ये साक्षात कृष्ण भगवान के अवतार हैं। पर तुम्हें कैसे मालूम? पता नहीं, पर यहाँ पर मंदिर बनाना है। चलो बेटी। पापा आपने उन्हें डबल पैसे क्यों दिए? उसी भगवान ने तेरे ऑपरेशन के लिए डबल पैसे दिए थे।